आजकल के ये सब के चक्कर में ना मुझे अपने आप से ना वो न्यूज रिपोर्टर वाला वाइब आता है। सच्ची मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मतलब एक्चुअली अब मेरा कंटेंट ना थोड़ा न्यूज स्टाइल में बन रहा है। मुझे अब मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, मेरे पास अभी ऑफिशियल टूर्नामेंट्स नहीं है जो मैं आपको नो एनालाइज करके बताऊंगी। सिचुएशन ही ऐसा है, एंड सबसे बड़ी बात जो मैं कभी मुकर नहीं सकता, मुझे एक्सेप्ट करना पड़ता है, वो है कि ये गेम ने मुझे भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी दिया है, बनाने में बहुत ज्यादा हेल्प किया है। सबसे उससे भी ज्यादा बड़ी बात कि मुझे इसी गेम ने आप तक पहुंचने में हेल्प किया है। तो ऑब्वियसली बात है, ये गेम से भी मैं बहुत यू नो दिल से जुड़ा हुआ हूँ, एंड मैं भी नहीं चाहता कि ये गेम जो है ऐसे ही चले जाए, हमारे सारे लोगों के एफर्ट, सारे क्रिएटर्स के एफर्ट, सारे कास्टर्स के एफर्ट्स वेन में चला जाए, सारे प्लेयर्स का जो ग्राइंड है वो वेन में चला जाए। तो कुछ भी छोटा सा अपडेट होता है, फिर कुछ भी मेरे मन में आता है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करता हूँ। आई होप कि आप लोगों को यू नो मैं जस्टिफाई कर सकता हूँ, बट ठीक है, यहाँ पे मैं अपनी बात रखने नहीं आया हूँ। मुझे थोड़ा सा एक अपडेट आया है, एंड दैट इज सिर्फ मेरे पास नहीं, वो फ्री फायर इंडिया ई स्पोर्ट्स इंडिया का ऑफिशियल डिस्कॉर्ड पे उन्होंने शेड्यूल रीशेड्यूल पोस्ट किया है। बट हाँ, वहां पे कुछ क्लियर नहीं है अभी तक, बट एक चीज देख के मैं थोड़ा सा खुश हुआ, वो है कि जो लीग सीरीज का मेन डेट था ना, जो रूल बुक में दिया था, वो अभी भी 11 मार्च ही है। जो क्लोज क्वालिफायर के डेट से वो अभी भी टू बी अनाउंस है, वो अभी तक आया नहीं है। बट ये देख के यू नो एक रिलीफ मिल रहा है कि 11 तारीख के साथ ही वो अभी भी जाना चाहते हैं, विच मीन्स काम अभी जोरों शोरों से चल रहा है। एंड शायद आप लोगों को कुछ ही दिनों के अंदर अंदर ही अंदर आपको एक अपडेट मिलता हुआ देखने को मिले फ्रॉम गरीना साइड की फ्री फायर इंडिया चैंपियनशिप हो रहा है। देखिए, गवर्नमेंट ने अभी तक कोई ऑफिशियल प्रेस रिलीज नहीं किया है, ना ही गरीना ने इस चीज के बारे में आगे आके कुछ बताया है, बस गेम डिसअपीयर हुआ है। तो मैं भी यू नो मान के भी नहीं मान पा रहा हूँ कि गेम बैंड है। ठीक है, गेम के सर्वर से भी चालू है, फ्री फायर मैच बहुत चल रहा है, इल्यूमिनेट भी बहुत अच्छे चल रहा है मेरे फोन में, बस प्ले स्टोर पे नहीं है एंड ऐप स्टोर पे नहीं दिख रहा है। दिस इज द डिफरेंस, और कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम्स नहीं हो रही है। एंड छोटे छोटे अभी थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजर जिन लोगों के पास क्लाइंट नहीं है ना, उन लोगों को प्रॉब्लम्स हो रहा है, बाकी सबको आई डोंट थिंक प्रॉब्लम हो रहा है। आई थिंक आज सुबह मैंने देखा रॉकी भाई भी अपने चैनल पे मैचेस होस्ट कर रहे थे, बट एनीवेज वो सब तो अलग बात है। हाँ, एक और चीज जो मेरे नजर में आया जिससे मैं थोड़ा सा और ज्यादा खुश हुआ, मैं एक्चुअली कल ही शेयर कर सकता था आपसे, मैं टीम का नाम नहीं लूंगा, मैं प्लेयर का नाम नहीं लूंगा, बस मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूंगा, मेरे पास एक इंस्टाग्राम पे एक मैसेज आता है जो टॉप 42 में टीम्स पहुंची हुई है, उनसे मैसेज आता है कि यार और भाई कल ना मुझे मैसेज आया एडमिन से, जो फ्री फायर इंडिया चैंपियनशिप के एडमिन से, उन्होंने मैसेज किया कि आपके फॉर्म में ये सब चीजें गलती है, तो उन्होंने शायद काम जो है रिज्यूम किया है। क्योंकि तभी आता है, क्योंकि देखिए बीच में सब कुछ होल्ड पे था, तो कोई इन्फॉर्मेशन ऐसे बाहर आ नहीं रही थी जो अभी प्लेयर्स, जहां जैसे कि मैंने कल के वीडियो में कहा था कि 70 तक ईमेल्स गई है टीम्स के पास। तो ये टेंशन मत लीजिए कि दोबारा से एफएफसी मोड होने वाला, सो दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन, एफएफसी मोड फिर से नहीं होगा दोबारा से। क्लोज क्वालिफायर से चालू होगी, जो रीशेड्यूल जो आया है ना, जो शीट वो मैं जरूर से आप लोग खुद देख लो, वहां पे दिख रहा है कि क्लोज क्वालिफायर से रिज्यूम होगा, एंड जो लीग स्टेजेस है वो अभी भी 11 मार्च के डेट का ही आ रहा है। तो अभी तक कोई चेंजेस लीग स्टेज में तो नहीं हुआ, लीग स्टेज अपने शेड्यूल डेट पे ही चालू होगा, उसका मतलब ये बीच वाले गैप में हो सकता है, तो हम सोच सकते हैं कि शायद ऐसा हो जाए। एंड फिर भी वही बोलूंगा कि क्लियर तो नहीं है, बट स्टिल गरीना हैज मतलब थोड़े बहुत हिंट्स दिए हैं जो देख के हम लोग बहुत खुश हो रहे हैं, मुझे पता है, एंड आई एम श्योर कि आप लोग भी बहुत खुश होंगे इस न्यूज से। लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। हाँ, जो मैं एडमिन वाली बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि ये जो सब चीजें जो क्वेरीज आती है ना, तभी आता है जब जोरों शोरों से काम चल रही होती है, एंड वो क्लोज क्वालिफायर से सारा वेरिफिकेशन प्रोसेस शायद खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, जल्दी से जल्दी आपको वो टॉप 42 के नाम भी लिस्ट भी देखने को मिल जाएगा। लिस्ट पोस्ट हो गया ना, तो इतना मान लेना कि उसके अगले दिन ही क्लोज क्वालिफायर लाइव चला जाएगा, एंड ऑब्वियसली बात है हम कास्टर्स को भी शायद पता लग जाए कि हमारे लिए भी ड्राइवर होगा, बट अभी तक कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन आया नहीं है, तो मैं चुप ही रहूंगा, जब तक आता नहीं है मैं कुछ आप लोगों को बता नहीं सकता। कुछ चीजें कॉन्फिडेंशियल ऑब्वियसली होती है, तो वो चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर नहीं सकता हूं। ऑब्वियसली बात, इसलिए मैंने बोला कि मैं टीम का नाम नहीं शेयर करूंगा, मैं स्क्रीनशॉट नहीं दूंगा आप लोगों को, बस मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, ये शायद सुन के आप लोगों में और ज्यादा रिलीफ आ जाए। दैट्स इट, यही मैं आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए आया था। आई होप कि आप लोगों को थोड़ा बहुत और ज्यादा रिलीफ मिला हो ये सुन के, मुझे भी बहुत ज्यादा रिलीफ मिला, मुझे लगा कि शायद आप लोगों के साथ मैं शेयर ही कर लूँ, क्योंकि अभी के टाइम पे आप लोगों के अलावा मेरे पास कोई है नहीं जिनसे मैं ये सब चीजों के बारे में बातचीत करूँ। सो यस, शेयर करो वीडियो को जितना हो सके, टिल देन हंसते रहो मुस्कुराते रहो, स्टे सेफ गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।